वही अकेले की कहानी फिर शुरू हो गई। 16 तारीख है आज, सुबह से 50 काम, सारे चने भीग रहे थे। कल शायद भुवन सिंह नहीं लेके गए, अभी सारे चने लाग फांद के अकेले अभी जाना है पशु अस्पताल। वहाँ जा कर के जो दो दो एक नंदी भरती है, एक वो गौ माता, अब उसके लिए एक लेबर आया है तो लेके जाएंगे। अभी हमारी अंजलि है वो भी जाएगी, त्यौहार का मामला है, तमाम सारे काम हैं, पेड़ पौधा सब दुनिया भर का। लेबर जो है वो 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा के लिए नहीं आता है, वो उसकी शुरू से आदत है, आज हो गए उसको 40 साल, आता है जाता है। आज आया है, कहिए 15 दिन ना आवे, कितने जानवर उसी के पीरियड में मर गए हैं यहाँ पर। भाई अब गायब जब गायब, हमसे जितना होगा उतना तो हम करेंगे। तो यही सब चीज़ों को अब मैं अस्पताल की ओर बढ़ रहा हूँ, तो वहाँ का हाल मैं फिर से बनाऊँगा, आप देखिएगा। बीच बीच में यही नमूना दिखाते हैं कि ये सारे पेड़ पौधे आप सब अकेले दम से, सब अकेले रोज देखो सुनो समझो, हैं ये सब अकेले दम से। यहाँ से वो हाँ वो जो नारियल के पेड़ दूर में दिख रहा है, इतने पौधों को रोज देखना, पानी देना, लेबर है एक, कहीं एक महीना गायब हो जाए उसका, वो उसको अगर हम मजदूरी भी बढ़ा दें तो भी नहीं आएगा। अब है उसकी एक हैबिट है, और 2 दिन जहाँ 100 200 500 इकट्ठा हो गए तो वो पिएगा, पी के घर में पड़ा रहेगा, जब पैसे ख़त्म होंगे तो फिर चलता है। बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा, लेकिन कोई फर्क नहीं आया। अब लोग कहेंगे बस आदमी रख लो, अब मूली गाजर हो तो आदमी खरीद लें। कई लोगों से कहा कि भैया आओ लैपटॉप देख लो, हमारा वो क्या नाम फ़ोन आते रहते हैं। अब जिसका फ़ोन ना उठाओ, हर आदमी यही जानता होगी, बाबा फ़ोन जो है उठाते नहीं हैं, इनके भाव बढ़ गए हैं। बहुत से लोग हमारे सामने, हमारे जो आए थे दिल्ली से, पूछें बाबा जी कहाँ हैं, तो कहें भैया बाबा जी रात में मिलेंगे, वो नाम भी नहीं बताते रहे, कार्ड देते रहे। उन सभी लोगों से निवेदन है, अब कल हमारा भोज चल रहा था, अब वो जो आए थे दिल्ली से अभिलेख श्रीवास्तव साहब है ना, वो ने कहा वो लंदन से अभी फ़ोन आया है आशीष जी का, और 40,000 भेजे हैं, देखते जाइए आप, है ना। अभी 40,000 क्या हँसी आती है कि कल उस टाइम 40 रुपये भी नहीं आए, तो हमको ज़रूरत नहीं है। हम तो लोगों से कहते हैं कि भैया कुछ कानून कायदा के हिसाब से आप लोग डायरेक्ट गाड़ी वाले के यहाँ आप लोग भेज दो, जो कुछ नहीं होगा तो हम उसमें किस्त बंधवा लेंगे। अब हमारे जलोटा जी हैं, वो आज कई दिन से उनका कोई पते नहीं, जो मोटे आसामी हमारी मदद करने वाले हैं उनके फ़ोन भी गायब हैं, इसलिए मन बड़ा खिन्न हो जाता है। आप लाख कुछ करो, नियम से करो। मैं कहता हूँ आप हमको 100 रुपये महीने में दो, 5 रुपये माहवार दो, लेकिन नियम से दो, ताकि हमारा एक रूटीन बन जाए, एक काम हो। अब हम आज पता लगा कि एक आदमी को रख लिया, अब 6-7 हज़ार लेगा फ़ोन अटेंड करना, लिखना, पढ़ना, दुनिया भर का कहाँ से हो पाएगा। एक बार लोग भेज दिए, लोग गायब हो गए, तो हम मांगना हमारी उसमें नहीं, तो और हम ही रोज़ मना करते थे भैया कम भेजो कम भेजो। तब लोगों ने कहा बाबा जी ये रोज़ रोज़ का ही रोना गाड़ी का जो है आपका, जाना है सुबह 6 बजे तो जा रहे हैं 7 बजे 8 बजे, तो बड़ा कष्ट होता था। तो इसीलिए गाड़ी का मन बना लिया। फिर एक साहब ने कल में रोकता, ने कहा बाबा सेकंड हैंड ले लो, तो अब सेकंड हैंड में ले, अब रास्ते में गाड़ी खड़ी है। तो हमने कहा नहीं भैया लेंगे तो नहीं लेंगे, गद्दा वालों ने राय दिया जो है गद्दा वाले, अब उनके माध्यम से एक हमको दान में गाड़ी मिली, सिक्योरिटी में 9,000 उन्होंने जमा करवाया था। 3 महीने वो गाड़ी चली, स्कूटर बैटरी वाली, 3 महीने में जब एकदम वो जवाब दे दिया तो मैंने जमा कर दिया। तो पता लगा कि साहब इसमें पैसे काटेंगे, हमने कहा क्यों भैया सारे अखबारों में तो छप गए, आप ही लोगों ने छपवा दिया कि उन्होंने बंदर भोज के लिए दान में दिया है, बंदर भोज के लिए दान में दिया है, कई अखबारों की वो सुर्खियाँ भी बन गए। अब फिर अब पता लगा वो
3,000 की 1,500 वापस करेंगे, तो हमने कहा वो 1,500 भी न वापस करें, वो 9,000 रुपये वो हजम कर जाए, वो वक्त उनको बता देगा। हनुमान जी की जो कृपा है वो बताएगा। अब हम किसका किसका नाम लें कि जिन जिन लोगों ने हमारा पैसा मारा है, हजम किया है, मेरा नुकसान किया है, ज़मीन बेच लिया है, आप खाली उनके घर में पता लगा दो बस। और कोई विशेष जानकारी लेना है तो ठाकुर राम सिंह से पूछ लीजिए कि मैं क्या हूँ, हम अपने मुँह से क्या बोल बताएँगे। और ज़्यादा पूछना हो तो आप बाबा मुरारी से पूछ लीजिए, फुर्सतगंज में इंदिरा गांधी जो है क्या वो उड़ान एकेडमी के से 10 किलोमीटर आगे फुर्सतगंज गांव है, वहाँ के बाबा मुरारी दास हैं, काफ़ी दूर दूर जाते हैं, तांत्रिक हवन वगैरह करवाते हैं वो, तो उनसे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। हम अपने मुँह से क्या कहें अपने बारे में, सब कुछ इतना मैं सब दिखा रहा हूँ, फिर भी जो कुत्ते टाइप के हैं वो भौंकने से बाज नहीं आते, हमको हंसी आती है। तब हमको कभी कभी कहना पड़ता है कि अरे भैया तेरे साथ पुष्प नगर कोई पैदा हुआ हो उसको यहाँ रायबली भेज दे, बस बात ख़त्म। लेकिन बड़े कुछ बेशरम टाइप आँख का पानी मरा है, वो लगता है कि वो पता नहीं एक बात के हैं कि कई बात के हैं, उल्टा सीधा बिना सोचे समझे कमेंट करना, ये क्या है? अरे भाई मैं बुलाता हूँ, तुम यहाँ चले आओ, सब देखो, पता लगाओ मोहल्ले में अगल बगल ये सारा काम किसने किया है। लेबर आया है भैया मिट्टी हटा दो, जय जरा इसकी गुड़ाई कर दो बस, लेकिन पेड़ लगाना देखना, लेबर एक एक महीना गए तो मूडी आदमी है, क्योंकि वो हर फन मौला है, वो हर काम जानता है, तो उसको जहाँ वो रहता है उसके गाँव में ही उसको काम मिल जाता है, चाहे रजाई सिलवा लो, चाहे गद्दा भरवा लो, चाहे आटा पिसवा लो, कुछ भी काम इससे करा दो। तो 40 साल हो गए, कई बार कहा गया तुम परमानेंट तुमको हम पैसा देंगे, तुम रह जाओ ना, बस 2 घंटे 3 घंटे अब जाएंगे हॉस्पिटल, अब वहाँ जाके जो गाय पड़ी है नीचे वही पक्का फर्श है उसी को थोड़ा खुदवाना है कि भैया बालू डलवा दें, गऊ माता के खाल कटे जा रहे हैं, घाव पर घाव बनता जा रहा है। तो वही है कि आज फिर अकेले आ गए और अब जा रहे हैं इसको झोले में भरने, फिर अस्पताल, फिर अस्पताल से बंदर भोज, कभी दोपहर में मिलते हैं, नहीं मिलेंगे, कल भुवन जी नहीं लेगा वो, और वो अपना मोबाइल ऐसा रखे हैं जैसे आशीषा नंद हैं, भुवन जी हैं, आप अभी अभी मोबाइल मिला दीजिए, उनका मोबाइल नहीं उठता है, वो बता देता है कि वो सब अंतरिक्ष में गया है, वो कहाँ गए हैं, और वो सीमा से बाहर हैं, और टावर गिर गया है, यही सब आते हैं। तो इसीलिए बड़ा कष्ट होता है इन बातों से, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। भाई भरोसे के आदमी बनो, दिल्ली वाले अभिलेख श्रीवास्तव साहब आए, देखानंद जी महाराज, वो बात के इतना पक्का आदमी, इतना पक्का आदमी के क्या बताने। उनके पहले शर्मा जी रहे बेचारे, वो भी अपने सब कॉल अटेंड करते रहे, अब वो चले गए, ये चले गए, खैर चलो, हमने कई बार बोला कि भैया अब हम आखिर मैं ये न बोलूँगा तो आप हमारी बात कैसे जानोगे, तो सारी बोलने की शक्ति तो हमारे इसमें चला जाता है। फिर अभी जाएंगे वहाँ अस्पताल में, देखेंगे बनाएंगे, वहीं चल रहा है, हाँ चलो चलो, अभी जा रहे हैं वहाँ फर्श खोदवाएंगे, उसमें बालू डलवाएं, तमाम जानवर आते हैं, लोग ऐसे पक्के में डाल के चले गए। अब बड़ी लोग बहुत कोशिश किए हैं, जो है ना ये सब भंडारे वंडारे वाले, ये अंदर से तिलमिला रहे हैं कि क्या किया जाए कि हम लोग सुर्खियों में आ जाएं और श्याम साधु पीछे हो जाएं। सोचिए आप, ये मानसिकता है लोगों की, लेकिन सही सही होता है, गलत गलत होता है, बहुत तिलमिलाते हैं, कहीं रोटी बाँट, अरे रोटी गाय को वहाँ जहाँ गाय मर रही उसको रोटी दे, अस्पताल में जाके गरीब बच्चों को दे आओ, सियाने को दिया हो, मेरे पास और भी अगर आमदनी कायदे से बढ़ेगी तो मैं अस्पताल में भी जाके मैं बांटूंगा। तब कुछ बेकूफ़ टाइप के लोग हैं कि बंदर इधर उधर से बाबा खा लेता है, उनसे पूछा जाए कि आपको ये कैसे मालूम कि इधर उधर से खा लेता है, हैं कुछ ना समझ लो क्या कहा जाए। यह बाल बहुत चलता है, बीच में गरीब बच्चे आ जाते हैं, उनको एक चना भी दे देते हैं, और बच्चों को भाई जो हमको मिलेगा वही दे दिया, उसी के नाम बाल भोज है, कुछ भी दे दो,
रोटियां सब श्रीमती जी तोड़ चुकी हैं, बस एक नाम है कि बाल भोज। अब बाल भोज है तो है, जो हमको जो देगा वही तो मैं दूंगा, जो अपने आप को मैं बेच करके मैं उनको दूंगा। अब जलोटा सूट जलोटा ने भाई वो 15-15 हज़ार रुपया भेज दिया है, अब हो रहा है भैया कढ़ी चावल पूरी पूरा हुआ। ठीक है, लोगों की इच्छा है, भगवान करें लोग ऐसा करें, लेकिन हमारी इच्छा तो यही है कि भाई बच्चों को खुश करना हो, उनको आप ज़्यादा कोई चीज़ बांट दिया जाए, ये बनाओ ये करो कारीगर बुलाओ, बड़ा हंगामा हो जाता है। अब रेडीमेड का ज़माना है, कैप्सूल में अब ज़माना आ गया। अब बच्चों को बढ़िया बढ़िया पैकेट है, ट्रॉफी है, कुछ गुब्बारे हैं, कुछ नहीं दीपावली में उनको पैसे ही बांट दिए जाएँ, अब कितने खुश होंगे, वो उनको दे दीजिए। तो अब रतन मेहता जी का ये कहना है कि साहब भाई वो तो भाई वास्को डिगामा है, वो श्याम साधु की मदद करने के लिए वो पहले इंसान निकले, और उनका एकदम ठोस मामला है, वो समुद्र हैं, ना वो घटते हैं ना बढ़ते हैं। खैर उनका एक अपना चलता है कंटिन्यू, और वहाँ दिल्ली में अस्पताल के सामने लंगर चलवाते हैं, और एक और उनसे लोग जुड़े हुए हैं, एक तो बहुत बड़ा काम है। खैर वो भी बाहर के लोग मरीज आए हैं, अब उनके साथ में आए हैं, तो खाना पीना मिल रहा है। हालांकि ये लोग इसका दुरुपयोग बहुत करते हैं, बहुत हरामखोर भी पहुंच जाते हैं उसके अंदर, लेकिन अब चलिए मजबूरी है। देखिए एक आदमी कहाँ से छाटेंगे, मैं जैसे बंदर भोज करता हूँ उसमें कोई बदमाश बंदर भी होता है, कोई कटा भी होता है, कोई सीधा भी होता है, अब हम छाँट छाँट के तो नहीं खिला पाएंगे। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, मैं चल रहा हूँ अस्पताल, अंजलि पहुँच रही है। अब वही गैयों को पानी पिलवाना, उठाना, बैठाना, इतने बड़े रायबली में इतने भोज भंडारे करने वाले, इतने राजे महाराजे नेता अभिनेता, कोई नहीं कि एक आदमी भेज दे हमारे पास कि बाबा जी से पूछो, तुम जाओ जाके कुछ उसकी मदद करो। हमारा आदमी है उसका कोई भरोसा नहीं है, आज से नहीं 40-45 साल हो गए उसको, अब उसका नेचर है तो है। अंजलि यही कुछ खाने पीने के सामान गौ माता के लेके अब रवाना हो रही है। तो ये स्कूटर से जाइ हो जाओ तो संगठा तो निकल गए। हाँ देखो देखिए मिला हाँ खुला खुला नहीं हुआ वाला फाटक खुला हुई हाँ ले आओ चलो हुआ वाला खुला हुई अब अंजलि जा रही है कंचे खुली गड़बड़ है मान है हाँ कोई है ड्राइवर है थोड़ा सा थोड़ा 1975 में स्थापित हुआ था गीतांजलि अनाथ पशु सेवा केंद्र, जो हमारी बच्चियाँ इतनी सी थीं, अब उनके सब बच्चियाँ हैं, उनके बच्चों का नाम इसने डाल दिया है। अंजलि त्रिवेदी, सहयोगी धनंजय त्रिवेदी, धमन त्रिवेदी, प्रमंग कुमारी, भाव्या त्रिवेदी, भावनी त्रिवेदी, के मिश्र यानी मैं श्याम साधु, सूरज भवन कचहरी रोड लाइब्रेरी, उसमें मिट्टी भर भर के तकिए बनाए थे उस गाय के लिए, यहाँ जब वो गाय थी महीनों यहीं पर गधे का इलाज किया था, घोड़ा खैर अस्पताल से ही अपना भर्ती रहा, वहाँ रोज देखभाल हुआ करता था। यही सब है, सब ये बोरियों में मिट्टी भर के रखे हुए हैं। अब बेटी लेके उनको जा रही है, कल उसने कैनवस खरीदा, कितनी मेहनत की गई उसको टांगने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी। लोग मरे जा रहे हैं, अरे भैया अगर तू असली हिंदू है तो नाराज़ नहीं होगा। हाँ जय श्री राम।